हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आपको तुरंत ही सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की ओर से आई हुई एक पोस्ट, जो की है फार्माकोपिया एसोसिएट की। तो क्या कुछ रहने वाला है पोस्ट, किस प्रकार से अप्लाई करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ पर देखेंगे कैरियर ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर में दिया गया है वैकेंसी सर्कुलर फॉर द पोस्ट ऑफ फार्माकोपिया एसोसिएट वेटरनरी। ठीक है, इसे आपको जस्ट क्लिक करना है, पीडीएफ आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ में दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, वो है आपका फार्माकोपिया एसोसिएट। ठीक है, जहाँ पर आपका जो एज लिमिट है वहाँ होना चाहिए नॉट एक्सेसिंग 40 ईयर, इट मीन्स आपका एज 40 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ रहने वाली, सैलरी तो आप देख सकते हैं 40,000 दिया गया है, और यहाँ पर ये भी किया गया है कि सैलरी कैन बी इनहेंस फॉर द डिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, जो कैंडिडेट ज्यादा डिजर्व करता है उनके लिए इससे ज्यादा सैलरी भी हो सकती है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो वन ही पोस्ट रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या कुछ दिया गया है, तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एम फॉर्म इन फार्माकोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले। इट मींस ये हायर पोस्ट, आप देख सकते हैं आप लोग फार्माकोपिया में फार्माकोपिया एसोसिएट की पोस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हायर एजुकेशन तो मांगना चाहिए ही। ठीक है, तो एम फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले। ठीक है, और यदि प्लेस की बात करते हैं, देख सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में रहने वाला है ये पोस्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस भी देख लीजिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनालिसिस रिसर्च इन द एरिया ऑफ वेटरनरी साइंस, वेटरनरी प्रोडक्शन फॉर एमएससी कैंडिडेट, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिसिस रिसर्च इन द एरिया ऑफ वेटरनरी साइंस, वेटरनरी प्रोडक्शन फॉर MVSC। ठीक है, MSc और मेनली ये MSc और MVSC के लिए है, और जो M फॉर्म कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस तो नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली इसको रीड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंगेजमेंट पीरियड की बात करें तो ये ओनली 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है, पर भी ये गवर्नमेंट की ओर से आई हुई वैकेंसी है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की ओर से, तो जरूर से यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में रहने के पर भी इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इसको आपको क्लिक करना है, और इस लिंक को आपको जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगी, उसे आपको फिलअप कर लेना है। और ठीक है, अब देखते हैं लास्ट डेट दिया गया है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर से पहले आप जरूर से इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे आपको फिल करना होगा, और ये जो पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। तो जो भी फार्मा के स्टूडेंट हैं, एम फार्मा, फार्माकोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से हैं, उन तक आपको जरूर से ये न्यूज़ को पहुँचाना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, ऑल दी बेस्ट।